हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ गुजराती फेमस बेपड़वाड़ी रोटी की रेसिपी। इसे स्पेशली आम रस के साथ खाया जाता है। एक बाउल जितना गेहूं का आटा ले लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। एक स्पून जितना तेल डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक डो रेडी कर लेना है। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये स्वादिष्ट भी बहुत लगते हैं। हमारा डो रेडी है। अब थोड़ा सा तेल डालकर हाथों से अच्छे से इसे मसल देंगे। इस तरीके से इक्वल टुकड़े कर लेंगे इसके। यहाँ हमें दो रोल्स एक साथ यूज़ करने हैं। दो टुकड़ों पर थोड़ा सा आटा लगाकर रोल कर लें। दोनों इक्वल होने चाहिए। अब दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। अब गेहूं का आटा स्प्रिंकल करके हाथों से थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी को रख देना है। अब हम रोटी की तरह ही रोल कर लेंगे इसे। इसे थोड़ा पतला ही रोल करें। अब एक तवा ले ले और इसे गरम कर ले। अब इस पे रोटी डाल देंगे। अब मीडियम फ्लेम पर थोड़ी देर एक साइड पकने दें, फिर से पलट देंगे। अब एक कपड़े या फिर एक डट्टे की मदद से हल्का हल्का दबाते हुए अच्छे से सेक लेंगे। साइड्स पे ध्यान से दबाते रहना है हमें, ताकि रोटी हमारी साइड से कच्ची ना रह जाए। इस रोटी को आप आम रस या फिर फजेतो के साथ खा सकते हैं। फजेतो की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, चेक ज़रूर से करें एक बार। पलटते हुए इसे इस तरीके से दबाते रहें। हमारी रोटी बन चुकी है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब एक नाइफ की मदद से इसे खोल लें। आप हाथों से टैप करके भी इसे खोल सकते हैं, ये बड़े आसानी से खुल जाएंगे। अब इसके ऊपर अच्छे से घी लगा लेंगे। हमारी बेपड़वाड़ी रोटी बनकर एकदम रेडी है। इसे आमरस या फिर फजेतो के साथ एंजॉय करें। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद ज़रूर से आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से दबाएं।
ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।